1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान क्या होगा, है ना। यहां से इसको पहले हर का लेंगे, दिया हुआ 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर ले सकते हैं 8 बटा में 15। हम 10 का होगा लंब बटा आधार, तो cot का उल्टा हो जाएगा 10 का उल्टा cot होता, तो आधार बटा में लंब, तो b बटा में p, b बटा p मतलब b और p दिया था, हम h निकाल लेते पहले, h निकालने के कितना होगा p के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर, यहां से अंडर रूट होगा, p का मान दिया हुआ 15, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस में 8 का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेगा तो आएगा 289 मतलब 17 का स्क्वायर, है ना, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। अब क्वेश्चन निकालना है, बाय क्वेश्चन है कि हमको साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब इसके लिए कम होगा 15, और कर्ण तुम्हारा भी निकाल के लाए हैं कितना 17, यहाँ से सेक ए कॉस उल्टा सेक होता है, तो कॉस होता है कर्ण, तो कर्ण बटा में आधा लिखेंगे, तो कर्ण इसके